हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने सरकार के द्वारा चुनाव के समय जो वादे किए थे उसे पूरा करने के लिए एक मांग रैली निकाली। इस मांग रैली में उन्होंने 12 मुद्दों को दर्शाया। उनका कहना था 19 लाख जो सरकार ने कहा था नौकरी देंगे वो नौकरी दे, मैं महंगाई जो इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है उसको लगाम लगाए, यहाँ की जो बिजली बिल जो बढ़ा हुआ है उसे वापस ले, यहाँ तक कि युवा आयोग का गठन करे और बेरोजगारों को 10,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता दे, काला कृषि कानून वापस ले, MSP को कानून बनाए, बंद पड़े दरभंगा में सकड़ी रैयाम लोहार चीनी मिल तथा अशोक पेपर मिल चालू करे, तमाम मुद्दों के साथ आज वो रैली निकाले दरभंगा संग्रहालय में। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन कार्यकर्ताओं ने संग्रहालय के मुख्य द्वार पे नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ जो उनका आक्रोश था वो प्रकट। हमने इस आंदोलन के जो संयोजक थे आनंद मोहन, राजू मिश्रा और मोहम्मद नजी उल्ला, उनसे बात, आइए तो सुनते हैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने इस विशाल आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन क्यों निकाला और उनका क्या कहना है सरकार के नीतियों के खिलाफ। बेरोजगार नौजवान से सबसे पहले कि मैं यदि सत्ता में आऊंगा तो मैं 19 जो है नीतीश कुमार भी ऐसे ही वादा किए थे, मैं 19 लाख नौजवान बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दूंगा। मैं नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूं, आप कितने 100 को रोजगार दिए हैं ये बताइए, लाख की तो बात छोड़ दीजिए, सैकड़ों में भी आपने नौजवानों को रोजगार की बात नहीं किया है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं, आप जब जब दरभंगा के जो है धरती पर आते हैं और कहते हैं अशोक पेपर मिल, रैयाम चीनी मिल, लोहट चीनी मिल, लोहट जैसे जैसे जितना भी कारखाने हैं सभी चालू होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कौन सा रोजगार जो है सो चालू करवाया है जो बंद पड़े हैं वर्षों से, ये नहीं चलेगा। नौजवान दरभंगा का नौजवान के साथ साथ पूरा बिहार का नौजवान जग चुका है और आपसे पूछना चाहता है, ऐ नीतीश मोदी सरकार, तुमने जो जनता युवा से वादा किया था वो वादा क्या हुआ? वो 19 लाख नौजवान का जो है रोजगार की जो बात थी वो कहाँ है? युवा मांगे रोजगार, नहीं तो होगा नींद हराम। नींद हराम करने के लिए नौजवान जग चुके हैं, रोजगार युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा, नहीं तो नीतीश और मोदी बाबू को सिंहासन छोड़ करके जाना पड़ेगा। नीतीश बाबू रोजगार दीजिए, नहीं तो सिंहासन खाली कीजिए। आनंद मोहन, जिला संयोजक ऑल इंडिया अखिल भारतीय नौजवान संघ। राजू, अखिल भारतीय नौजवान संघ के राष्ट्रीय व्यापी आह्वान पर हम लोग पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय पर 19 लाख रोजगार की जुमलेबाजी नहीं चलने देने की सवाल पर में आंदोलन कर रहे हैं। हम ये नीतीश कुमार को बता देना चाहते हैं कि आपने चुनाव से पूर्व 19 लाख रोजगार देने की वादा किया था, जैसे आपके चाचा नरेंद्र मोदी 2 करोड़ रोजगार देने के वादा किए थे और बाद में बोले ये तो जुमला था। आपको ये हम बता देना चाहते हैं कि बिहार का नौजवान 19 लाख रोजगार को जुमलेबाजी नहीं होने देगी, ये आप समझ लीजिए। आपको बता देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी, आप अपने आप को कल जन्मदिन मना रहे थे और विकास दिवस के रूप में मना रहे थे, बगल में अशोक पेपर मिल है, थोड़े दूरों पर लोहट चीनी मिल है, सकरी चीनी मिल है, क्या इनको चालू करना विकास नहीं है क्या? आप देख रहे हैं जो बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार नई रूप में आई है अपराधों का श्रृंखला बढ़ते जा रहा है। पिछले एक महीना में दरभंगा जिला में दर्जनों से ऊपर हत्याएं हुई है, जाले के अंदर हत्या हुई है, बहादुरपुर के अंदर हत्या हुई है, आपको शहर के अंदर हत्या हुई है। इस पर में नीतीश कुमार को जवाब देना पड़ेगा, ये हम नौजवान सवाल पूछने आए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू मिश्रा हुआ, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राज्य उपाध्यक्ष। रिलीज बनाने हम तमाम नौजवानों को किसान सभा की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और आशा नहीं विश्वास दिलाते हैं, जो जब जब नौजवान जागा है देश पर, जब जब संकट आया है नौजवान जब जागा है देश का संकट दूर हुआ है, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो या अभी वर्तमान स्थिति की लड़ाई हो, आज नौजवानों को जागने की आवश्यकता है। दरभंगा जिला के अंदर
बेरोजगारी के कारण, बिहार के अंदर बेरोजगारी के कारण आए दिन दर्जनों घटनाएं, बेतहाशा घटनाएं हो रही है, लूट हत्या अपहरण हो रहा है, लेकिन सरकार नौजवानों को रोजगार देने में फेलियोर है।